Hello students, welcome back in my maths class. Students, today our topic is put greater than and lesser than or equal to symbol in the given boxes. Means greater than जो आपका बड़ा नंबर है उसका फेस ऐसे ओपन होता है और स्मॉलर का पीछे की साइड रहता है. आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में इन अप्रैल मंथ में आपको मैंने बताया था ना एलिगेटर, एलिगेटर का फेस कैसे ओपन होता है ऐसा, है ना, ऐसे ही होता है. तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आज हम ग्रेटर देन एंड लेसर देन सिखाएंगे. ओके, टुडे यू विल लर्न हाउ टू पुट सिंबल ग्रेटर एंड ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर आवर फर्स्ट एग्जांपल, देखिए विच नंबर इज दिस, 6 एंड 2. अब यहां पर एक एलिगेटर आ गया. अब एलिगेटर कौन से नंबर को खाएगा आप बताइए, कौन से नंबर खाएगा? टर्न करेंगे, ये एलिगेटर 6 नंबर खाएगा ना, ज्यादा चीज को खाएगा, तो आपका 6. अब आप देखिए एलिगेटर इस नंबर को खाएगा. एलिगेटर ऐसे ही होता है, मुंह खोलता है ऐसे खाने लग जाता है. तो आपको क्या करना है, आपको एलिगेटर का फेस इस तरफ आपको ओपन माउथ रखना है. ओके, ऐसे आपको ओपन माउथ रखना है. ओके, अब नेक्स्ट, अब आप बताएंगे, अब हेयर है 13 और हेयर है 14. तो अब बताइए कौन सा एलिगेटर कौन सा नंबर खा लेगा, कौन सा नंबर बड़ा है, 14 और हेयर है 13. तो एलिगेटर का फेस अब किस तरफ ओपन होने वाला है, 14 की तरफ. तब आप क्या करेंगे, 14 की तरफ आप उसके फेस को ओपन कर देंगे. तो दिस इज द ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर, मींस लेसर देन. ओके, अब 18 एंड 19. अब आप बताइए, अब क्रोकोडाइल जी किसको खाएंगे, कौन से नंबर को खा लेंगे, 19, बिकॉज 19 इज ग्रेटर. तो हम एलिगेटर का फेस इस तरह उसका माउथ ओपन कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हियर 3 हियर 4. अब बताइए यहां पर अगर 4 लड्डू हैं, 4 लड्डू हैं और यहाँ 3 लड्डू हैं, ठीक है, तो बताइए एलिगेटर कितने लड्डू खाएगा, उसको कितना लड्डू खा लेगा तो उसका स्टोमक फिल हो जाएगा, 4 लड्डू को खा लेगा तो उसका स्टोमक फिल हो जाएगा. तो एलिगेटर अपना फेस किस तरफ खोल के जाएगा, ऐसे खाएगा. तो आप इसका फेस इस तरह ओपन कर देंगे. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हियर है 19, हियर है 19. अरे अब तो एलिगेटर कंफ्यूज हो गया, कौन सा नंबर खाएगा, वो टाई हो गया ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इक्वल कर देंगे, बिकॉज 19 इज 19 इक्वल. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ है 24 और यहाँ 14. तो आप एलिगेटर कौन सी नंबर को खाएगा, विच नंबर विल एलिगेटर विल ईट, 24, बिकॉज 24 इज द ग्रेटर. तो उसका फेस हमें इस साइड ओपन करना है. बच्चों अगर ग्रेटर की तरफ आप एलिगेटर फेस कर देगा तो ऑटोमेटिक उसका लेसर की तरफ उसका बैक हो जाएगा. ओके, तो ये आपका ग्रेटर देन एंड स्मॉलर इज लेसर देन है, लेस देन. ओके, और इसमें इक्वल भी आ जाते हैं आपके, देखिए अब जैसे यहाँ आ गया 18 और हियर 18. अब फिर से क्रोकोडाइल जी तो कंफ्यूज हो गए, कौन सा नंबर खाएंगे, तो टाई हो गया ना, अब वो कंफ्यूज कंफ्यूज हो गया, तो यहाँ पे इक्वल आ गया. ओके, नाउ नेक्स्ट, हियर 29 और हियर 20. अब क्रोकोडाइल जी किसको खाएंगे, 29 को. तो 29 की साइड इनका फेस ओपन कर देंगे. ओके, अब तो इसका मतलब एलिगेटर, अब आपको एलिगेटर के थ्रू आपको मैंने आज ग्रेटर देन एंड लेसर देन एक्सप्लेन किया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यू अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक्स में एक्सरसाइज है, आपको उसको देखना है और उसको सॉल्व करना है. ओके, और मैं वर्कशीट भी बना करके आपको दे दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.